दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा पांच ऐसे तरीके जिसको करने से आपको जो खाना है वो जल्दी से जल्दी पचेगा, ना कि सड़ेगा। देखो दोस्तों, क्या होता है जब हमारे शरीर में खाना पचता नहीं है तो वो सड़ता है, और खाना सड़ने से हमारे शरीर में गैस बनती है, और वो गैस पूरे शरीर में घूमती रहती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां जन्म लेती है। कुछ बीमारियां तो बहुत ज्यादा दर्दनाक होती हैं और कुछ बीमारियां बहुत ज्यादा शर्मनाक भी होती है, जिसको मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा देर तक खाना पेट में पड़ा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है। तो दोस्तों, आज आपको मैं पांच तरीके बताऊंगा जिससे आपका खाना 2 घंटे के अंदर अंदर पच जाएगा। मतलब जब भी आप खाना खाएंगे तो अगले 2 घंटे के अंदर अंदर आपका जो खाना है वो बिल्कुल पच जाएगा, आपका पेट पूरी तरह से खाली हो जाएगा। अगले 2 घंटे बाद आप दोबारा उतना ही खाना खा सकते हैं। तो ये 2 घंटे का पीरियड है, ये 2 घंटे का समय लेता है। तो दोस्तों, अब जो ये मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरा खुद का बनाया हुआ तरीका है। मैं इसी तरीके से पिछले कई सालों से खाना खा रहा हूँ और मेरी जो हेल्थ है वो बहुत ही ज्यादा पहले से अच्छी भी हो गई है। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा ना लंबा करते हुए मैं आपको सबसे पहला तरीका बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला जो तरीका है जिससे हमारा खाना जल्दी पचेगा, वो पहला तरीका है गरम गरम खाना। दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं तो पहले जब खाना पूरी तरह से बन जाता है उसके बाद ही हम उस खाने को खाते हैं। हालांकि वो खाना गर्म होता है लेकिन उतना गर्म नहीं होता। लेकिन अगर आप बनते के साथ ही, जैसे खाना बन रहा है, जैसे सब्जी बन चुकी है, वो एकदम गर्म होती है, एकदम भभकती हुई गर्म गर्म होती है, और रोटियां एकदम गर्म गर्म होती हैं, उसमें से भाप निकल रही होती है, इतना गर्म खाना तुरंत के तुरंत आप खाओ। मतलब इतना भी गर्म नहीं खाना जिससे आपका मुंह जल जाए, मतलब थोड़ा बहुत उसको फूंक मार के खाओ, लेकिन वो तुरंत के तुरंत बनते के साथ ही गर्म गर्म अगर खा लिया जाए तो वो क्या होता है दोस्तों, कि जब गर्म गर्म खाना, जब भी हम कोई गर्म चीज खाते हैं या कोई भी गर्म चीज पीते हैं तो वो हम कम खाते हैं। मतलब कि जब कोई चीज गर्म होती है, या कोई खाने की चीज हो या पीने की चीज हो, अगर आप गर्म गर्म दूध पियोगे, गर्म गर्म चाय पियोगे या कुछ भी पियोगे, तो धीरे धीरे करके पियोगे, तो धीरे धीरे पीने से या धीरे धीरे खाने से क्या होता है, हमारे जो मुंह की लार होती है वो मिक्स हो जाती है, वो खाना पचाने का काम करती है। तो ऐसे ही दोस्तों, जब हम गर्म गर्म खाना खाते हैं तो उसको गर्म की वजह से ना ज्यादा चबाते हैं, और हमारे मुंह की जो लार होती है वो उसमें मिल जाती है, उसके बाद ही हम उसको सटकते हैं। तो ये तो पहला तरीका हुआ। तो इस तरीके से आपको खाना है। और दूसरा तरीका दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जब जब भी आप खाना खाते हो तो खाना खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद ही आपको पानी पीना है। उससे पहले आपको बिल्कुल भी पानी नहीं पीना, ये आपको ध्यान रखना है। खाना खाने के बीच बीच में पानी नहीं पीना, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना, बस उसके 2 घंटे बाद ही पानी पीना है। मतलब 2 घंटे का टाइम आप लेके चलो कि 2 घंटे के बाद ही आपको जो है पानी पीना है। उससे पहले आपको बिल्कुल नहीं पीना, आपको 1 घंटे पहले भी नहीं पीना, आपको 1.5 घंटे पहले भी नहीं पीना, आपको पीना है तो सिर्फ 2 घंटे के बाद ही। और दोस्तों, पानी जो है वो आपको थोड़ा सा गर्म पीना है। अगर सर्दी का टाइम है तो थोड़ा गर्म पी लो, गर्मी का टाइम है तो आप नॉर्मल जो ठंडा होता है रखा हुआ आप उसको भी पी सकते हो। जो तीसरा तरीका है दोस्तों, वो है ज्यादा चबा चबा कर खाना। दोस्तों, खाने को अगर आप ज्यादा चबा चबा कर खाओगे तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, तो जो आपका लीवर है उसको पचाने में उसको मदद मिलेगी। मतलब जो आपका जो लीवर है, जो हमारे जो पेट की थैली होती है, उसको मदद मिलती है ज्यादा जल्दी से जल्दी पचाने में। अगर आप ज्यादा बड़े बड़े टुकड़े अपने थैली में भर दोगे, अपने लीवर में भर दोगे, तो आपकी थैली को जो है आपका खाना पचाने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए दोस्तों, खाना जब भी खाएं ज्यादा चबा चबा कर खाएं, और अगर जब आप गरम गरम खाना खाएंगे तो आप वैसे ही उसको ज्यादा जल्दी चबा चबा कर खाएंगे, क्योंकि वो मुलायम रहता है, गरम गरम खाना मुलायम रहता है। इसीलिए दोस्तों, चौथा जो तरीका है दोस्तों, छोटे छोटे टुकड़े खाएं। मतलब रोटी, अगर आप रोटी का टुकड़ा लेते हो तो जैसे एक रोटी में से आपको कम से कम 10 से 12 टुकड़े करने हैं, कम से कम 10 से 12 टुकड़े आपको करने हैं। मतलब आपका जो रोटी का टुकड़ा होना चाहिए वो 1 इंच या 1.5 इंच के बराबर ही होना चाहिए, और उसको ज्यादा से ज्यादा चबाओ, तब जाकर के वो जल्दी पचेगा।
और जो पांचवा तरीका है दोस्तों वो है खड़े होकर के खाना। जैसे लोग कहते हैं कि खड़े होकर नहीं खाना चाहिए, नहीं आप खड़े होकर के खा सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं कि बैठ के ही खाना खाओ। देखो दोस्तों बैठ के खाना खाने से क्या होता है, बैठ के खाना खाने से हमारा पेट भिज जाता है, हमारी जो आंतें होती है वो थोड़ी सी ऊपर की ओर आ जाती है, जिसकी वजह से हम थोड़ा कम ही खा पाते हैं। अगर हम खड़े होकर के खा पाएंगे तो ज्यादा खा पाएंगे, ज्यादा खा पाएंगे, और जो हम खाना खाएंगे वो डायरेक्ट जो है नीचे आ जाएगा, मतलब खड़े होकर के खाने से खाना है। मैंने ये नोटिस किया है, जब भी हम कुछ भी खाते हैं खड़े होकर के तो वो सीधा नीचे थैली में चला जाता है, जब भी हम बैठ करके खाते हैं तो उसको थैली में जाने में टाइम लगता है। दोस्तों खड़े होकर के बस हम पानी नहीं पीते, मतलब खड़े होकर के हमें पानी नहीं पीना चाहिए, पानी हमेशा बैठ करके ही पीना चाहिए। और बाकी आप दूध खड़े होकर के पी सकते हैं या कुछ भी खाएं तो खड़े होकर के खा सकते हैं, बैठ के भी खा सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ये मेरा खुद का अनुभव है कि मैं जब भी खाना खाता हूँ वो तुरंत बना बना खाना खाता हूँ, तो उसके लिए मुझे खड़े होकर के खाना होता है, जिससे वो खाना जल्दी से जल्दी थैली में चला जाता है और जल्दी से जल्दी वो पचता भी है। तो दोस्तों पहला तरीका आपको मैंने बता दिया कि गरम गरम खाना है, दूसरा तरीका पानी 2 घंटे के बाद पीना है, हल्का गरम पीना है अगर सर्दी है, और अगर गर्मी है तो नॉर्मल पी सकते हो, तीसरा तरीका ज्यादा चबा चबा कर खाना है, चौथा तरीका छोटे छोटे टुकड़े करके खाना है, और पांचवा जो तरीका है वो खड़े होकर के खाना है। आप बैठ करके भी खा सकते हो, लेकिन खड़े होकर के खाओगे तो आपको ज्यादा हल्का हल्का महसूस होगा। और दोस्तों इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप खाना खाते हो तो खाते 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 अगर आपको पहली डकार आ गई तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपका जो पेट है वो भर चुका है, और अगर आपको और खाने का मन कर रहा है तो आप थोड़ा बहुत और खा सकते हो। उसके बाद अगर आपको दूसरी डकार आ गई तो उसके बाद आपको खाना रोक देना है, चाहे वो कितना भी स्वादिष्ट हो। वैसे जब आपको दूसरी डकार आएगी तो आपकी भूख पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपका पेट आपको बोल देता है वो डकार के माध्यम से कि वो भर चुका है। तो दोस्तों 2 डकार आने के बाद आपको बिल्कुल भी खाना नहीं खाना है, नहीं तो आपका पेट इतना भर जाएगा कि उसको पचने में फिर समय लगेगा, पच वो तब भी जाएगा, फिर वो 2 घंटे के अलावा 3 घंटे ले लेगा, 3.5 घंटे ले लेगा, लेकिन वो फिर भी पच जाएगा। तो दोस्तों ये सारे तरीके होते हैं खाना जल्दी से जल्दी पचाने के। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो जिसका रिप्लाई मैं आपको अगले 24 घंटे में दे दूंगा। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।